नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मैं उदयपुर जिले के गोगुंदा में हूं। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। सरकारी तौर पर यह क्षेत्र टीएसपी यानी ट्राइबल उपयोजना में शामिल है। इस क्षेत्र में भील व गराशिया जनजाति के लोगों की बाहुलता है। भील जनजाति के लोग इन दिनों गौरी पर्व मना रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे गौरी क्या है, क्यों सवा महीने तक घर नहीं जाते हैं गौरी के लोग, क्या गौरी एक पर्व है, क्या गौरी एक तपस्या है, गौरी में महिलाएं क्यों नहीं हैं, गौरी के लोग महिलाओं के वस्त्र व आभूषण क्यों पहनते हैं, गौरी के लोगों को क्यों देनी पड़ती है अग्नि की परीक्षा, कैसे होता है गौरी का समापन, क्या शिव उपासक है भील समुदाय के लोग, ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए डेली राजस्थान की टीम वर्ष 2022 के भादवा महीने में भादवीगुड़ा की गौरी के साथ 2 दिन बिताए। यह वीडियो 2022 में रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों के चलते हम लेट हुए और माफी के साथ वीडियो अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस चैनल पर जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गौरी की बात शुरू करने से पहले 2 बातें जानना जरूरी है। गौरी का कनेक्शन किससे है और कहां से है? तो बता दें कि गौरी का संबंध भील समाज से है और खास तौर पर इसका संबंध मेवाड़ व मारवाड़ से है। मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद व उदयपुर जिले शामिल है और मारवाड़ में हम देखें तो पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले शामिल है। अभी मैं जो बातें बता रहा हूं ये बातें आप में से कई लोग जानते होंगे और इससे भी अधिक जानते होंगे, लेकिन गौरी को समझने के लिए इसके सामाजिक व भौगोलिक संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। तो 2 बातें मैंने बताई है, इसका संबंध भील समाज से है और मेवाड़ व मारवाड़ से है। यूं तो देश में कई जनजातियां हैं और कई राज्यों में भील जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब गौरी नहीं खेलते हैं। आम तौर पर गौरी को एक खेल माना जाता है। मेवाड़ के भीलवाड़ा व राजसमंद के कुछ हिस्सों में इसे राई भी कहते हैं। गौरी केवल खेल नहीं है, गौरी भील समाज का धार्मिक अनुष्ठान है। यह साधना व आराधना का माध्यम होने के साथ गाँव की सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है। मेवाड़ जो क्षेत्र है, गौरी सिर्फ पूरे देश में सिर्फ मेवाड़ क्षेत्र में रहती है और विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है। राखी के दूसरे दिन एकम से एक गौरी माता का शुरुआत होता है जो 6 महीने तक चलती है। इस समय में हमारे मेवाड़ क्षेत्र में अलग अलग गाँवों में गौरी खेली जा रही है। गौरी यानी घोरझा, गोरजा यानी पार्वती। मेवाड़ के भील समाज के लोग इस पर्व पर माँ गोरजा का रूप धारण करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भस्मासुर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनसे भस्मी कड़ा प्राप्त कर लिया। भस्मी कड़े में हर किसी को भस्म करने की शक्ति थी। भस्मासुर ने पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव को भस्म करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म कर दिया। इस दौरान भस्मासुर ने वरदान मांगा और उसी वरदान के फलस्वरूप भादवे के महीने में माँ पार्वती धरती पर आती है। क्योंकि भील समाज भगवान शिव के उपासक है, इसलिए धरती पर आई माँ पार्वती के आदर में वे माँ का स्वरूप धारण करते हैं और कठिन तप करते हैं। गौरी मुख्यतया भगवान शिव और पार्वती का रूप माना जाता है। हमें भगवान शिव से ये वरदान मिला हुआ है। जो माता पार्वती वो हमारी बुआ है और जो शिव जी वो हम फूफा जी मानते हैं, हमारी जिया जी। गौरी लेने के 2 तरीके प्रचलन में हैं। पहले तरीके के अनुसार गांव के किसी एक व्यक्ति को माता के भाव आने लगते हैं जिसे पहले कभी भाव नहीं आए हो, तब ऐसा मान लिया जाता है कि माता इस गांव में आना चाह रही है, इसके फलस्वरूप गौरी ले ली जाती है। दूसरा तरीका है रक्षाबंधन पर्व से पहले गांव के सभी समाजों के लोग खेड़ा देवी या गोरिया मंदिर पर एकत्र होते हैं, वहां पर पाती मांगते हैं। पाती यानी पेड़ की हरी पत्ती। दरअसल पेड़ की हरी पत्ती को मंदिर में माता की मूर्ति के सामने रख दिया जाता है और उसके नीचे की ओर एक थाली रखी जाती है। अगर वो हरी पत्ती मूर्ति के सामने से उड़कर थाली में गिर जाती है
तो इसका अर्थ होता है कि माता ने पाती दे दी। तो इस तरह की पाती जब मिल जाती है तब गौरी ले ली जाती है। पाती उतर जाने की सूचना एक ही दिन में क्षेत्र में फैल जाती है कि फला गांव में गौरी ले ली है। सबसे पहले देख हमारे यहाँ पे मामा दीजिए मेन गांव का जो देवरा है वहाँ पे हरियाली अमावस को वहाँ पे दुधारनी होती है जो खीर चढ़ाते और पूरा गांव इकट्ठा होता, तो वहाँ भगवान वहीं पे वो कहते हैं कि भाई इस समय में वो गांव में आऊंगी मैं, मतलब अपन कहते हैं पामणी होंगी, तो फिर गांव वाले सब कहते हैं अगर माता जी पामणे होंगे वो वहीं से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में वापस गांव में जागरण चढ़ाया जाता है। तो इसमें जो एक माँ गौरजा का मेन स्वरूप होता है और गौरी का एक ही रूप है, अगर माता गौरजा स्वयं आती है वो किसी एक व्यक्ति पे जैसे अपन कहते हैं जो भाव होता है वो भाव होता है और माता गौरजा स्वयं पधारती है तो गौरी लेते हैं, बाकी कोई गौरी नहीं लेते। तो उसमें उस गांव के रहने वाले सभी समाज के लोग वो देवरे में सुबह शाम आरती होती है, उन सभी के जो आरती में जाते हैं वो दूसरे समाज के लोग भी खाना पीना वो भी बंद करते हैं, वो भी चप्पल नहीं पहनते हैं, उनको भी आरती में रहना पड़ता। गौरी लेने के दूसरे दिन सुबह उस गांव के भील समाज के परिवारों में से 9 नेगाती मंदिर पहुंचते हैं। ये अपने वस्त्र लेकर स्वयं ही मंदिर पर पहुंचते हैं। ये नेगाती गौरी के मुख्य 9 सदस्य होते हैं जो परंपरागत तौर पर निर्धारित परिवारों के ही होते हैं। दूसरे परिवार का नेगाती तब ही बन पाता है जब किसी नेगाती के परिवार में कोई पुरुष जिंदा ना बचे। इनके अलावा गांव के प्रत्येक भील परिवार से 1-2 सदस्य स्वेच्छा से गौरी में शामिल होने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। गौरी में शामिल होने वालों और गांव के अन्य लोगों की बहनें भी यहां पर आती है। यहां भोपा और गांव के पंचों द्वारा गौरी में शामिल होने वाले सभी लोगों को उनके किरदार वाली वेशभूषा धारण करवाई जाती है। गुड़िया बाबा जी और भोपा जी और ये अम्मा और भोपा जी, ये राई माता और ये खड़ोरा भोपा और ये माधी अम्मा और भोपा, ये राई जो हमारे पुजारी, ये सब सामान। पहले दिन अपने ही गांव में गौरी नृत्य किया जाता है। सर्वप्रथम तो गौरी में हमारे मुख्य जो 9 किरदार होते हैं रई बुढ़िया होते हैं, उसमें एक जो मुखिया होता है मेन, जो जिसको अपन अगर देसी भाषा में कहें कुटकड़िया कहते हैं, वो गौरी का मेन मुखिया होता है। वो गौरी को पूरी क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे कहाँ जाना है, वो सारी बात करता है। गौरी में आपको सबको साथ लेके चलना है, क्या करना है, गौरी को संभालना, उसके साथ में रहना, और कोई भी काम हो बाहर भी किसी के काम हो या गौरी वालों भी काम हो तो उस मुखिया से राय उससे बात करते हैं, वो होता है उसके साथ में चलते हैं। गौरी में 4 प्रमुख पात्र होते हैं, राई, बुढ़िया, भोपा और कुटकुटिया। गौरी में 2 राई होती है, पार्वती वे दूसरी भगवान विष्णु की मोहनी की प्रतीक होती है। दोनों एक जैसा रूप धारण करती है। बुढ़िया के मुंह पर लकड़ी का गोल मुखुटा बांधा जाता है और कमर में घुंघरू बांधे जाते हैं। गौरी के अमूमन सभी पात्र आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, नाक व कानों में बालियां और हाथ में चूड़ियां, कमर में कंदोरा और पांवों में पाइजेब व घुंघरू बांधते हैं। गौरी का संचालन कुटकुटिया करता है। गौरी किस गांव में जाएगी, कहां रुकेगी, कहां खाना खाएगी, कौन सा नाटक या नृत्य करेगी, यह सब कुटकुटिया तय करता है और वो ही अपने अनुसार गौरी चलाता है। आमतौर पर गौरी में शामिल सदस्यों की बहनों द्वारा गौरी को अपने गांव में आमंत्रित किया जाता है। गांवों के अन्य जातियों और समुदायों की बहनें भी गौरी को आमंत्रित करती है। इनके अलावा किसी समाज, गांव या संस्था द्वारा भी गौरी को आमंत्रित किया जाता है। और मुख्यतः हमारे गांव की जो बहन बेटियां होती है वो माता जी को पावना करती है अपने गांव में, वो वहां पे खाना खिलाती है और माता जी की सेवा करती है, तो वो एक हमारे शुभ माना जाता है। तो माता बहनों को पूरे महीने अलग अलग हम गांव में घूमते हैं, माता जी की सुबह और शाम फिक्स, चाहे खाना खाए नहीं खाए लेकिन आरती दोनों समय करनी अनिवार्य होती है। उसमें जो हमारे मुख्य पुजारी होते हैं वो जैसे आप अगर खिला रहे हो तो वो आएंगे और आपको वो पाती जलाएंगे, तो भाई हम कल आपके वहां पे खेल रहे हो, पाती जलाएंगे, आप पाती जलोगे उसके बाद ही हम मानेंगे कि अब गौरी आपके यहाँ खेल रही है, आपने पाती जले माता जी कल मेरे यहाँ पे पामणी होगी, फिर हम सभी आपके वहां पे आएंगे, तो आप हमारे वहां पे आपके वहां पे आने के बाद पहले हम आरती करेंगे, फिर आप हमारे चाय नाश्ता खाना वो खिलाओगे, फिर आपके गांव का जो चौराया होता है जहाँ पे गौरी पहले से हर गांव में चौराया होता है वहां पे गौरी जाती है, वहां पे मंचन होता है, वहां पूरे दिन खेलती है, फिर शाम को जब समापन होती है तो जो भी खिलाने वाला व्यक्ति होता है, कोई हमारी बहन बेटी खिला रही थी वो है,
कोई भामाशाह भी खिलाते हैं कोई, तो वो लोग फिर हमारे जो नौ नेगाती हैं उनको वो पेरावनी वो करवाते हैं, फिर हम वापस बहन को माता जी की ओर से पाती दी जाती है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है, उसके बाद में पूरा मंचन फिर समाप्त होता है। बादीगुड़ा की जो गौरी है वो तो पिछले कल समापन होने वाला है, इस बीच में कहाँ कहाँ पे गए हैं? लगभग उदयपुर के हम बहुत सारे एरियों में गए, जैसे गोगुंदा से आसपास वाले तो गांव को तेजवाल है, रामा है, जिंडोली है, इधर बड़गांव की तरफ है उधर खूब, और एक दिन हम मारवाड़ भी जाके आए तकतगढ़, जहाँ पे दाता जो समस्या चार महीने का समस्या में दाता रह रहे, इतने बड़े संत है लेकिन वो गौरी माता का जो महत्व वो समझते हैं कि एक देवी का रूप है और देवी का रूप अगर वहाँ पे पड़ता है तो बहुत पवित्र माना जाता है। दाता के वहाँ पे भी हम गए, उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया, वहाँ पे गवरी खेली, उन्होंने सारा हमें खाना पीना खेला। सूरज कुंड वाले जो महाराज दाता अवधेशानंद जी दाता के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे उन्होंने आना जाने का खर्चा, हमें वहाँ पे खिलाने का खाना खिलाया पिलाया और बढ़िया वहाँ भी खेल गया है, और आसपास के बहुत सारे गाँव में गोगुंदा जैसे हम ओबरा है इधर बहुत सारे गाँव में हम खेल गया है। गौरी दल जिस गाँव में जाता है वहाँ किसी मंदिर या चौराहे पर पूजा की जाती है, नृत्य किया जाता है और धार्मिक घटनाओं पर आधारित नाटक दिखाए जाते हैं। सबसे पहले चौक में महादेव जी का त्रिशूल स्थापित किया जाता है, उसके बाद गौरी के सभी पात्र उसके चारों ओर गोला बनाकर नृत्य व नाटक प्रस्तुत करते हैं। अरे नाटो जावे वदडो जैसे आज इस गांव में खेले तो कल पड़ोस वाले गांव में खेल रहे हैं, परसों उस वाले गांव में खेल रहे हैं, तो वो मतलब अधिकतर खेल 50% खेल वही होते हैं, जैसे बिंजारा का खेल आज किया तो अगले गांव में करेंगे, वापस आगे वाले गांव में करेंगे, अगर बाबूजी राठौड़ का खेल यहाँ पे किया तो आगे वाले गांव में करेंगे, क्योंकि वहां लोग देखने वाले दूसरे, इस गांव में आज बाजीगुड़ा में खेले तो कल नयागुड़ा में खेलेंगे, परसों इसाल में खोलेंगे, पहले रोज गोगुंदा में खेलेंगे, तो वो चेंज होता रहता है। और कुछ नाटक ऐसे भी हो जो जैसे बहुत सारे ज्यादा भी नाटक होते हर एक ही नाइट में नहीं कर सकते या एक ही दिन में नहीं कर सकते, वो अगले दिन भी करते हैं, और कहीं कहीं गाँव वालों की भी फरमाइश होती है हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम करना, ये वाला नाटक करना, इस माता जी का नाटक करना या इस बाबू जी का नाटक करना, इस देवता का, हम उस हिसाब से भी करते हैं। और मेरे को क्या बात, तेरे नाटक को आरती के बाद ही गौरी दल के सदस्य खाना खाते हैं। गौरी दल में 50 से 200 तक सदस्य होते हैं। गौरी नृत्य का मंचन दिन रात होता है जिसमें आम तौर पर शिव पार्वती, भंवरिया, बादशाह की फौज, रूपा दे रावलमाल, गोमा मीणा, बंजारा, देवी अंबाव, भ्यावड़, कालूकीर, कालका माता, सेठ सेठानी, राजा रानी, चोर पुलिस और काना गुजरी सहित कई नाटकों का मंचन किया जाता है। ये सभी नाटक पुराणों व पौराणिक कथाओं और वर्तमान हालातों के आधार पर बनाए गए हैं। ज्यादातर नाटक सतयुग की घटनाओं के आधार पर बनाए गए हैं। मनोरंजन के लिए बीच बीच में फिल्मों के डायलॉग और फिल्मी गानों पर भी नृत्य किया जाता है। जोकर का पात्र खूब हंसी मजाक करता है, यह अलग अलग गांवों में किया जाता है। रात को भी खेलती है, तो मैंने भी बहुत सारे खेल, जैसे एक हमारे लोक देवता बाबूजी राठौड़ का बहुत ही बड़ा जो नृत्य होता है वो क्या है, एक जो हमारे भैरू जी का खेल है बहुत बड़ा जो काला घोरा का, उसमें मंचन किया, भोपा जी का खेल है वो भी किया है, और बहुत सारे ऐसे किरदार है जो बहुत सारे हम मिल के करते हैं। तो माने मम्मन माँ की बेटी है, आप फटाफट उड़े दो Oh!
गौरी के पात्रों के लिए 14 कड़े नियमों की पालना आवश्यक होती है। सवा महीने तक उन्हें इन नियमों की पालना करनी पड़ती है। गौरी के 9 निगातियों के लिए ये नियम कड़ाई से लागू होते हैं। अगर नियम की मैं बात बताऊं तो आप देख सकते हो कि हम सवा महीने तक जूते नहीं पहनते। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, हम मांस मदिरा इन सब से दूर होते हैं। दूसरी चीज संभोग, उस सब चीज से दूर होते हैं। घर से कोई भी जो लकड़ी का कोई भी कुर्सी है उसमें भी नहीं बैठते। उसके अलग अलग कारण है, मैं आपको एक एक बताऊंगा। जैसे कि हम पैरों में क्यों नहीं पहनते, तो मैंने आपको बताया कि माता स्वयं धरती पे चलती है सवा महीने तक, और माता बिना जूतों से चलती है, इसलिए हम सभी बिना वो जूते पहने हुए चलते। दूसरी चीजें पहने हुए तो माता स्वयं श्रृंगार करके चलती, इसलिए हम चलते। दूसरे हरी चीज नहीं खाते, उसका कारण है कि हरी जो पाती है वो माता जी के चढ़ती है, इसलिए हम हरी चीज कुछ भी नहीं खाते। हरी सब्जी और मांस वांस और शराब सब बंद। सवा महीने तक हमारी जो माता स्वयं लकड़ी के जो पाट है उसमें विराजमान है, हम माता के बराबर हम नहीं बैठ सकते। गौरी के पात्रों के लिए स्नान न करने का नियम भी है, वे 40 दिन तक स्नान नहीं कर सकते हैं। गौरी आरंभ होने के करीब 20 दिन बाद जल जुलनी एकादशी के दिन गौरी का दल पुनः अपने गांव जाता है, वहां गौरी नृत्य किया जाता है। इस दिन ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है और इसी दिन गौरी भी स्नान करती है। जो जल जुलनी 11 आती है बीच में, उस दिन सभी देवी देवता स्नान करते, ठाकुर जी को स्नान करवाते, तो उस दिन माता स्वयं स्नान करती और सब गौरी वाले स्नान करते। कोई ऐसा कर देता है तो उसके आंखें दर्द करने लग जाती, आंखें आ जाती है, या वो बीमार हो जाता एकदम। फिर वो अर्चा भाई तूने ये गलती की है, फिर वो माफी मांगता है, धोख लग। जिस दिन हमारी टीम भादीगुड़ा में आयोजित गौरी को कवर करने के लिए गई थी, उस दिन मैंने गौरी के एक खेल में एक व्यक्ति को राजा की भूमिका में देखा। यह भादीगुड़ा के मंसूलाल बील थे। मंसू जी चिनाई मिस्त्री है। इनको नाटक के डायलॉग डिलीवरी करते देख मैं आश्चर्य में पड़ गया। इनसे जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ गया। वर्ष 2016-17 की बात है। मंसू जी की पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, उनका ऑपरेशन किया जाना था। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह योजना चला रखी थी, इसके तहत निशुल्क उपचार की व्यवस्था थी। मैंने मंसू जी को कहा कि वो भामाशाह कार्ड लेकर अस्पताल जाए और इसके जरिए अपनी पत्नी का इलाज करवाएं। मंसू जी ने मुझसे कार्ड का नाम जो है 3-4 बार पूछा, फिर संतुष्ट होकर उदयपुर के लिए वो रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने मुझे दोबारा वापस कॉल किया और पूछा, सर उस कार्ड का नाम क्या है? मैंने फिर से उस कार्ड का नाम बताया। मैंने कहा उस कार्ड का नाम भामाशाह कार्ड है, आप हॉस्पिटल में जाके इसका नाम लीजिएगा, इससे आपकी पत्नी का इलाज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गोगुंदा से उन्होंने इस कार्ड का नाम 4 बार सुना और वो उदयपुर पहुंचे और वहां जाने तक उनको इस कार्ड का नाम याद नहीं रहा। मैंने ये वाक्य इसलिए सुनाया है कि जिस व्यक्ति को भामाशाह कार्ड का नाम याद नहीं रहा, वो व्यक्ति नाटक में डायलॉग डिलीवरी कर रहा था। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। गौरी कलाकार कहते हैं कि वे जैसे ही गौरी के वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें स्वतः ही सब गीत भजन और संवाद याद आ जाते हैं। भले हम 10 साल से गौरी लेते हैं, लेकिन जैसे गौरी लेते हम खेलने जाते हैं, जो हमारा वाद्य यंत्र मादल और थाली वो बजता है, तो हम अपने आप ही वो सारी चीजें हमें याद हो जाती है। गौरी दल में ज्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं, नए युवा जरूर पढ़े लिखे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि सबको गौरी के नाटक याद है। किसी गांव के लोगों ने इस साल गौरी ली, आगे कितने साल बाद वो गौरी लेंगे ये तय नहीं है। आमतौर पर 5 साल बाद गौरी ली जाती है। ऐसे में गौरी कलाकार 5 साल बाद भी नाटक व गायन को कैसे याद रख पाते हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। 5 साल भी याद नहीं रहेगा, जैसे ही समय आता है तो अपने आप अंदर से वो चीजें निकलती है। हमारे वो ध्यान में रहता है, जैसे कि किसी का खेल करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का खेल करते हैं, तो कृष्ण भगवान में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में पूरी जानकारी हर व्यक्ति को रहती है। उसके आधार से जैसे बंजारा का खेल है, तो बंजारे के साथ में क्या क्या बीता, पुरानी कहानी हमारे पूर्वजों के दिमाग में रहती है, वो हमारे को बताते हैं, उसके आधार से हम वो खेल करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के आप खेल ले लो, कृष्ण भगवान जो लीला करते हैं, जो गोपियों के साथ में खेलते हैं या वो करते हैं, तो वही चीज हम
यहाँ पे बुलाते कि ये हो रहा जैसे अंबाव का खेल है। तो माता जी देवी अंबाव जो है सतयुग में स्नान करने गई थी सरोवर में, स्नान करते हुए मछली आई और माता जी की अंगूठी निकाल के ले गई। तो माता जी को पता चला अंगूठी मछली ले गई, अब क्या करें। तो उस सतयुग में उस समय के जो कालू कीर जो मछली पकड़ के जो काम करते हैं कीर समाज के लोग, तो माता जी ने उनको बुलाया, आप आओ और आप मछली पकड़ो और मेरी वो अंगूठी वापस लाओ। तो माता जी जो कालू कीर आया, माता जी मैं लूं, माता जी हाँ आपका आदेश है मैं लूं। तो कालू कीर जाता है मछली पकड़ता है फिर वो वापस लाता है। उसके बाद जो राज के दरबार के लोग होते हैं वो आके कालू कीर को पकड़ लेते हैं, भाई आप ये मछली पकड़ रहे हो हमारे यहाँ तालाब में क्यों पकड़ रहे हो। फिर कालू कीर माता जी को याद करा, माता जी आपके बुलावे में आया आपकी अंगूठी लेने, मेरे को तो हथकड़ी डाल दी, मेरे को जेल में डाल दिया। फिर माता जी वहां पे पर्चा दिखाते और वो हथकड़ी सारी खुल जाती है, कालू कीर अपने आप निकल जाता है और वो माता जी की अंगूठी लेके आ जाता है। इस तरह से जो पूरे खेल होते हैं राक्षस का खेल बताते हैं हम, जो कहता है कि देवी देवता और राक्षस से आप सुनते हो सतयुग में बहुत लड़ाई हुई थी। तो उस समय में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, उसने ये सौगंध लिया था कि मैं इन देवियों से मैं शादी करूंगा। तो वो शादी करने के लिए आ जाता है देवियों से, तो उनको बहुत समझाते देवी देवता देवियां, लेकिन वो नहीं समझता मैं शादी करूंगा। फिर उनके जो भाई होते वो लड़े करते सारे को देवियां मार डालती है, फिर भी नहीं मानता। फिर आपस में देवियों के लड़े होते, फिर देवियां उन राक्षसों का वध करते हैं। तो ये हम सारी चीजें उसमें बताते हैं। उसके अलावा आप देखो जो मारवाड़ में हमारे बहुत सारे लोक देवता हुए, जैसे बाबूजी राठौड़ है, कल्ला जी है, हमारे वीर तेजा जी है। तो ये जो किरदार हुए इन्होंने जो गायों के रक्षा के लिए कार्य किए या बहुत सारे जो धार्मिक काम किए, तो वो हम उनका किरदार इस गौरी के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। हमारे ऐसे ऐसे देवता हुए, ऐसे बहुत सारे, जैसे हम बताते हमारे भैरू जी का खेल है जो हमारे काला गोरा जो है, आपको पता हो तो कहते हैं कि जो कांगरू देश है वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जादू टोना बहुत चलता था। तो हमारे देवता सब परेशान हो गए थे, तो वो वहाँ पे जादू टोना करते थे। तो फिर माता कंकाली जो ऐसी एक शक्तिशाली देवी थी, तो उसने अपने शरीर से दो बेटे पैदा किए जिसका काला और गोरा नाम धरा और उनको वहाँ पे भेजा कांगरू देश में लेने के लिए और वो वापस राजा का जंतर बांध लाए। तो इस तरह से हम जो घटना सतयुग में घटित हुई उन्हीं के आधार पे पूरी गौरी का रूप है। इनमें से कितना परसेंट लोग जो है शिक्षित है? आज तो सब लोग शिक्षित है, जैसे मैंने LLB कर रखी है, आपने MA कर रखी है, इस तरह से हम सब लोग पढ़े लिखे, आज तो सब पढ़े लिखे भी है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख गए, कितने भी बड़े बन गए, चाहे हम कितने भी अधिकारी बन गए, लेकिन आज हमारी संस्कृति जो है, आज कहीं ना कहीं आप देखते हो कि इस आधुनिक युग में कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति, जो हमारे जो त्यौहार है या हमारी जो संस्कृति, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है कि इस संस्कृति को बचाना, जो हमारी परंपरा वो हमारा बचाना भी हमारा फर्ज है। तो उसी के साथ में हम चल रहे हैं। आज छोटे बच्चे हैं तो हमारे साथ में रहते खेलते हैं, तो बड़े होते हैं हम तो वो देखते ही रहते हैं। जैसे मैंने भी आज मेरी 30-35 साल की है, दो तीन गवरी मैंने भी खेली है। 6 साल पहले हमारे गवरी हुई थी, 2016 में गवरी हुई थी, उस समय खेले और आज वापस इस साल वापस हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर गौरी का खर्च कौन उठाता है? इस बारे में हमीर लाल बताते हैं कि बहनों द्वारा और गौरी को बुलाने वाले लोगों द्वारा सारा खर्चा वहन किया जाता है। सर खर्चा इसमें क्या, हमारे वो गांव में ले जाते हैं, जब बहन बेटा लेकर ले जाती है तो खर्चा वही वहन करती है, ले जाने का, आने का, जाने का, खाना पीना सब उनका ही रहता है, वो मेहमान के तौर पे ले जाती है। इसलिए एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर गौरी में महिलाएं क्यों नहीं होती है? इस बारे में पुराना भील कुछ यूं बताते हैं। हमारे जो नौ जो निगाती है उसमें दो महिला का किरदार, वो माता का रूप ही है, वो हमारे साथ में रहती है। और खेलने के लिए बाहर जाते वो पुरुष ही जाते, उसमें महिला नहीं। महिला यहाँ पे सेवा करती है, दोनों सुबह शाम यहाँ पे आरती करती है और वो घर संभालती है हमारे, वो यही रहती है। और हम पुरुष लोग है वो हम बाहर जाते हैं। अगर महिलाएं खेलने जाएगी बाहर जाएगी तो फिर जो यहाँ का जो कार्य होता है सेवा करनी घर पे, यहाँ का जो कार्य है वो काम कौन करेगा? जो हमारे जितने भी यहाँ पे देवरे माता जी के, भैरू जी के, उनको यहाँ पे आरती करनी पड़ती है, उनको घर का काम भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं और घर का जो परिवार है वो भी संभालना पड़ता है। महिला पे दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए महिला घर पे रुकोगी। जल जुलनी 11 के बाद गौरी फिर से करीब 20 दिनों के लिए दूसरे गाँव में खेलने चली जाती है, जो समापन के एक दिन पहले वापस अपने गाँव पहुँचती है। इस दिन कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का हाथी लाते हैं, चूँकि कुम्हार मिट्टी का हाथी गढ़ता है इसलिए इसे
गढ़ावन कहते हैं। हाथी को लेने के लिए गौरी के साथ पूरे गांव के लोग जाते हैं। गढ़ावन के दिन आमतौर पर गांव के सब लोग गांव में मौजूद रहते हैं। मेवाड़ के किसी भी गांव में गौरी हो, लास्ट के जो इस महीने के जो आठम नम दो जो तिथि होती है उसके होती है या यानी होती है तो किसी गांव में 12 या 13 लास्ट समापन हो जाती है। आठम नम को हम समाप्त करते हैं। जैसे आज आठम थी तो आज हाथी बाबा की सवारी होती है जिसपे माता विराजमान होती है। इसवाल जो गांव है पास में वहां से अपन वो हाथी बाबा हम सुबह लेने गए थे। वहां से पूरे गांव के लोग 36 समाज के लोग वहां गए, वहां आरती की माता जी की हाथी बाबा की, और वहां से पैदल सब लेके यहां पे आए। उनकी दो दिन पूजा चलेगी, आज पूरी नाइट खेलेंगे पूरी गौरी। गढ़ावन के दिन शाम को गौरी अपने गाँव के मुख्य चौक में खेलती है। पूरी रात नाटकों का मंचन किया जाता है, जोगियों की जमात निकाली जाती है जिसके माध्यम से भगवान शिव व पार्वती के विवाह का चित्रण करते हुए संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। नाक में डालो, नाक में संधि नहीं होगी, मुख में डालो, मुख में।
नहीं होगा। आंख में रखो, आंखें साफ रहेगी। नाक में रखो, सर्दी जुकाम नहीं होगा। मुंह में रखो, मुंह साफ रहेगा। पेट में रखो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। कमर में रखो, कमर दर्द नहीं होगा। नट नटनी का नाटक किया जाता है। सुबह आरंभ हुआ कार्यक्रम पूरी रात चलता है। इस दौरान माँ गौरजा के सामने निगातियों की अग्नि परीक्षा ली जाती है। गीले आटे से बने खड़े वे बड़े दो दीपकों में बत्तियां जलाई जाती है। प्रत्येक निगाती को यहाँ आकर मुंह, कोहनियों व घुटनों से इन दीपकों को नीचे गिराना होता है। मान्यता है कि सवा महीने के दौरान किसी भी निगाती ने नियम तोड़े तो वो दीपक की लो में झुलस जाता है। इस अग्नि परीक्षा के बाद बहनें हरी ककड़ी व सेब जैसे फल खिलाकर निगातियों और भोपाओं का व्रत खुलवाती है। एक तरफ मंदिर में निगातियों की अग्नि परीक्षा चल रही होती है और दूसरी तरफ गांव के चौक में कुटकुटिया द्वारा पूरे महीने का हिसाब किताब घाकर बताया जाता है। गौरी कहां कहां गई, कहां गौरी को अच्छा लगा, कहां उसके बुरे अनुभव रहे, किसने कितनी भेंट की और कहां गौरी की सराहना हुई, ऐसे तमाम बातें जो है वो गौरी जो है यहाँ पर बताती है। गौरी के द्वारा क्या क्या गलतियां हुई उसके बारे में कुटिया द्वारा गाकर बताया जाता है। आजकल तो 40 दिन का हिसाब किताब डायरी और पेन से लिखा जाने लगा है, लेकिन पुराने वक्त में कुटकुटिया ये सब याद रखता था। गौरी का समापन हाथी के विसर्जन से होता है। इस प्रक्रिया को वलावन कहते हैं, अर्थात हाथी को नदी या तालाब में विसर्जित करना। इस दिन शाम को खेड़ा देवी मंदिर से ज्वारा व माता गौरजा का हाथी मुख्य चौराहे पर रख दिया जाता है। यहाँ दिन भर गौरी नृत्य होता है। आसपास के गांवों के श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। शाम 4 बजे के करीब नृत्य बंद कर दिया जाता है। वहीं गौरी के पात्रों की बहनों द्वारा उन्हें पहरावनी कराई जाती है, यानी उन्हें नए कपड़े भेंट करती है। इसके बाद माता के हाथी व ज्वारों को सिर पर उठाकर गांव के समीप के सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है और इस तरह गौरी
गौरी पर्व का समापन हो जाता है। कल शाम को हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब आएंगे और हमारी बहनें हैं कल शाम को वो ये जो हमारे पहने हुए वो सब हमारी बहनें खोलेंगी। ये सब वो माता जी जो हम वो विदा करेंगे उस समय हमारी बहनें ये सब खोल के चूड़ियाँ हैं हमारे कंदोरे हैं ये सारे पहने हुए हैं सारे हमारे बहनें लेंगी और फिर हम सरोवर जाएंगे। वहाँ पे हमारी जो भगवान है माता जी गणपति जी का विसर्जन वहाँ पे होगा और माता जी को सरोवर जाएंगे। वहाँ पे हम सभी स्नान करके आएंगे, फिर हमारी बहनें हमें नए कपड़े पहनाएगी और फिर हम वो गौरी का समापन हो गया। कम्मा अनगढ़ देवा दियो राम ओ देवा जी दियो रे दुगियाला कम्मा टीजी रोलो नारा रावड़ा हो देवा जी दियो रे दुगियाला टीजी रोलो मारा रावड़ा हो देवा जी दियो रे दुगियाला कम्मा काल का आ जा हो देव जी